हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर असिस्टिव वॉल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं असिस्टिव वॉल है, कैसे आप यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। काफ़ी यहाँ पर यूजफुल सेटिंग है, गेस्चर्स है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बटन को हाइड करके आप वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बताती हूँ कैसे दिखता है ये। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है सेटिंग ओपन कर लेना है, ओके। उसके बाद कन्वेंस टूल्स पर क्लिक करेंगे, असिस्टिव वॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस पर ऑन कर लेना है। और ये रहा असिस्टेंट वॉल, यहाँ असिस्टिव वॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये बैक होगा, अभी तो फिलहाल ये बैक हो रहा है, बैक बटन का काम कर रहा है। लेकिन आप चाहते हैं बैक बटन भी हो, होम बटन भी हो, स्क्रीन शॉट भी हो एंड स्क्रीन लॉक भी हो, तो सब आपको इसमें देखने को मिलता है, मल्टीपल ऑप्शंस। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर कन्वीनियंस टूल्स पर क्लिक करना है, बैक हो चुका था। असिस्टिव वॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको टैप मेनू पे क्लिक कर देंगे। तो टैप मेनू में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इस पे क्लिक कर देंगे ना आप, ये देखिए सब कुछ देखने को मिला है। जो पहला है बैक स्क्रीन शॉट, यहाँ पर मल्टीपल टास्क में आपको ऑप्शन मिल रहा है, एंड लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन। तो यहाँ से सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर बैक करना है तो बैक हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे स्क्रीनशॉट आ जाएगा, शॉर्टकट तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एडिट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट मल्टीपल टास्किंग, यस, एंड लॉक, यस लॉक। ये काफ़ी यूजफुल सेटिंग है, छोटा है बट यूजफुल है। आप विदाउट बटन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको ये नया यहाँ पर इस्तेमाल करना है ये तरीका, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या आपको मिल रहा है इसमें, एंड होम का ऑप्शन मिला, ये देखिए। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं, आउट यहाँ पर रख सकते हैं आप इसको, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। सो फ्रेंड्स, अगर इसको यहाँ पर हटाना है, आप इसे यूज़ करने के बाद इसे हटाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद कन्वीनियंस टूल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से असिस्टिव वॉल पे क्लिक करेंगे। अब उसको हाइड करना तो आप वापस इसको हटा सकते हैं, ऑफ कर देंगे तो हट जाएगा। ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने के बाद आपको हटाना होगा भी तो हटा सकते हैं आप। तो ये सेटिंग काफ़ी यूजफुल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर बटन को हाइड करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।